उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी का अब क्या रुख है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी श्याम जाजू जी हैं। जाजू जी, क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड ने, हाई कोर्ट ने काफ़ी तल्ख टिप्पणी की है और एक तरह से केंद्र को कड़ी फटकार भी लगाई सरकार को। गए 3 दिन से नैनीताल हाईकोर्ट के बेंच ने जिस प्रकार की टिप्पणियाँ की थी, उससे क्या डिसीजन आने वाला है और क्या जजमेंट रहेगा, इसे हमें अपेक्षा थी, वैसे ही हुआ है। सवाल जजमेंट का नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने, जो सरकार अल्पमत में थी, जो सरकार स्टिंग में पकड़ी गई, उनको राहत देने का काम किया है और केंद्र सरकार के राष्ट्रपति राजवट को जो स्टे देने का काम किया है, मेरा ये सवाल है, अगर केंद्र सरकार राष्ट्रपति राजवट नहीं लगाती और जिस प्रदेश का बजट पारित नहीं हुआ है, ऐसे में वो सरकार कैसे चल सकती थी? उत्तराखंड की एक रुपया भी खर्च करना होगा तो केंद्र सरकार की अनुमति लगती है और जब तक राष्ट्रपति राजवट नहीं रहती, केंद्र सरकार कैसे सपोर्ट कर सकती थी? तो मेरे ख्याल से केंद्र सरकार के हाथ में सिवाय राष्ट्रपति राजवट लगाने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए वो आई है। अब देखेंगे, 29 तारीख को उन्होंने बहुमत साबित करने के लिए कहा है, हमारी पहले से हम आश्वस्त है 29 तारीख को हम सदन में भी, पटल पर भी हमारा बहुमत साबित करके दिखाएंगे। लेकिन जैसा आपने कहा कि कोई चारा नहीं था, कल भी कोर्ट ने कहा और काफ़ी तल्ख टिप्पणी की थी कि राष्ट्रपति राजा नहीं है और फैसले की समीक्षा हो सकती है, और दूसरी तरफ आज भी कहा कि सरकार किसी चुनी हुई सरकार को प्रॉपर्टी ना समझे, इस तरह के हथकंडे या इस तरह के कदम दूसरे राज्यों में ना उठाए जाएँ। आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार, केंद्र के स्तर पर सरकार ने जल्दबाजी की है और अब फजीहत हुई है? जिस प्रकार जजमेंट देते समय तक टिप्पणियां की है, तो मुझे लगता है कि बहुत बार न्यायालय के जजमेंट से हम भी असहमत रहते हैं, पर इस प्रकार की टिप्पणी सार्वजनिक करना हम उचित नहीं समझते। संवैधानिक संस्थाओं में न्याय संस्था और इस प्रकार की संवैधानिक पद जो है, उसकी गरिमा कायम रखनी चाहिए। राष्ट्रपति ये कोई व्यक्ति नहीं होता, वो संस्था होती है, और राष्ट्रपति पर इस प्रकार की हल्की टिप्पणियां कर उसकी गरिमा कम करना, ये किसी को भी शोभा नहीं देता। इस प्रकार की बस एक बार वापस होनी चाहिए। इतनी हल्की टिप्पणियां करके इस प्रकार की संस्थाओं का महत्व कम करना कितपत उचित है? जादू जी, एक सवाल ये भी है कि आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और बहुमत साबित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में ज़्यादा वक्त भी नहीं है। आपको लगता है कि अब इतने कम दिन बचे हैं और सरकार बनाना, और इस हालात में बीजेपी को शायद ये ज़्यादा मुनासिब कदम होता कि आप इंतज़ार करते और चुनाव में ही जाके मुकाबला करते? सवाल ये बीजेपी का चॉइस नहीं है, बीजेपी ने सरकार नहीं गिराई है, बहुमत की सरकार अल्पमत में आ चुकी, रूलिंग पार्टी के विधायक और मंत्री उनके साथ नहीं है, वो कांग्रेस के नीतियों से असहमत है, वो हरीश रावत के साथ काम नहीं करना चाहते, वो खुद होकर जब बाहर आए और सरकार माइनॉरिटी में आ गई, तो विपक्ष के रूप में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास क्या चारा था? उत्तराखंड को अस्थिरता के दौर से निकालने के लिए हमें समर्थ और सशक्त विकल्प के रूप में वहाँ काम करना पड़ेगा, और वो दायित्व हम निभाएंगे। आप दावा कर रहे हैं आपके साथ बहुमत है, हरीश रावत जी कह रहे हैं उनके साथ बहुमत है, तो तस्वीर 29 को ही साफ होगी, लेकिन जो आंकड़ा है 36 का, वो किसके साथ समझा जाए फिलहाल? अगर हरीश रावत जी के साथ बहुमत होता तो उस दिन जब वोटिंग डिवीजन मांगा गया था और सभापति उनका था, तो उनको वोटिंग करा देना चाहिए था। उसके बाद भी हमने राज्यपाल के सामने हमारी संख्या प्रस्तुत की, महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने संख्या प्रस्तुत की, तब तक और आज भी हम प्रस्तुत करने की स्थिति में है, बहुमत हमारे साथ। जादू जी, आखिरी सवाल, हरीश रावत जी बार बार इस बात को कह रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि जनता के साथ मजाक किया है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है, और तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं। आखिर जब चुनाव होगा और जितने ही महीनों की सरकार बनेगी, आप साबित करें बहुमत या कांग्रेस करे, चुनाव में आपको लगता है कि जवाबदेही थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ऐसे सवाल उठ चुके हैं आपके सामने? उत्तराखंड में 18 दिन राष्ट्रपति राजवट के दौरान 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। जो रेवेन्यू हर रोज 10-20 लाख रुपए होता था, वो हर रोज का 10 करोड़ रुपए हो रहा है। हमारा सवाल है, 4 साल का ये रेवेन्यू किसके जेब में गया है? सरकार के खजाने में क्यों नहीं आया, जो राष्ट्रपति राजवट में 15 दिन में असर दिख गया है? तो सरकार जनता से मजाक कौन कर रहा है, वो जनता साबित कर देगी। स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट हो गया है, खरीद फरोख्त में स्पष्ट हो गया है, और उस दिन का जिस प्रकार से बिजनेस वाइंड अप किया, इससे स्पष्ट हो गया है, जनता को राहत देने वाला काम कौन कर रहा है और जनता का मजाक कौन कर रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो श्याम जाजू जी का कहना है कि उत्तराखंड के हालात देखते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा केंद्र सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं था, और उनका ये भी कहना है कि जो राष्ट्रपति शासन के दौरान वहाँ रेवेन्यू इकट्ठा हुआ वो हरीश रावत की सरकार के दौरान उतना रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, यानी कहाँ रेवेन्यू में नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो किसकी जेब में गया, ऐसे भी सवाल उन्होंने उठाए हैं। और दूसरी तरफ इस बात का भी जिक्र किया है कि न्यायिक संस्थाएं जो हैं, अदालत है, उसका अपना एक सम्मान है, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में जिस तरह की कमेंट किए गए और जो बातें कही गई वो निश्चित तौर पर ठीक नहीं है। कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।